सो गाइस आप लोग टाइटल पढ़ के तो समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। सो गाइस आज हम करने वाले हैं व्हाट्स इन माय पेंसिल केस। सो गाइस ये है ना मेरी, जैसे कि आपको पता है मैं ना ज़्यादा बड़ी क्लास में आऊँ, नाइन्थ क्लास में आऊँ, तो मैं बहुत सिंपल सा पेंसिल केस रखती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको इससे बेसिक में पार्ट टू चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, ये है मेरा पेंसिल केस जो कि नॉर्मल है। तो पेंसिल केस की बात करें तो ये ब्लू कलर का है एंड इसमें ब्लैक कलर की लाइन वगैरह है एंड इसमें क्यूट सा फ्लफी सा जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड इसमें चेन की बात करें तो इसमें 3 चेन है, 1, 2 and 3। सो गाइस फर्स्ट चेन अगर हम ओपन करते हैं तो मैं फर्स्ट चेन में ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, बट आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट चेन मैंने ओपन कर लिया एंड इसमें मैं पेंस रखती हूँ जो कि ब्लू कलर के पेंस रखती हूँ मैं इसमें। सो गाइस मैं इसमें टोटल 4 पेंस रखती हूँ बिकॉज ब्लू पेंस रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे काम आता है एंड अदर किसी बच्चे को काम आ जाता है तो उसको देना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्स्ट्रा पेंस रखना। तो सबसे पहले मैं रखती हूँ 2 ऐसे पेन एंड 2 ऐसे, तो इसमें एक जेल पेन भी रखती हूँ बिकॉज जेल पेन हमारी साइंस वाली मैम करवाती है हमारे काम, तो उसमें जेल पेन बहुत कम में आता है। तो फिर हमारे 4 पेन्स हो गए। एंड गाइस जल्दी बताओ इसमें ये वाले पेन कौन यूज़ करता है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग करता है। अगर आप भी करते हो तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो फिर चलिए इनको रखते हैं। अगर हम अपनी अब सेकेंड चेन ओपन करते हैं तो मैं इसमें भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सबसे पहले मैं रखती हूँ इसमें ब्लू पेन, क्योंकि इसमें ना मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो हमारी रोज़ में यूज़ आती हैं, तो मैं इसमें सिर्फ वही चीज़ें रखती हूँ। तो फर्स्ट आता है हमारी ये ब्लू पेन, फिर आता है हमारी ये पेंसिल, क्योंकि गाइस मैं एक ही पेंसिल रखती हूँ, मैं ज़्यादा काम में नहीं आती इसलिए एक ही पेंसिल डॉम्स फुशन की। एंड फिर मैं रखती हूँ इसमें ब्लैक पेन जो कि जेल पेन है और मुझे बहुत पसंद है पेन। फिर रखती हूँ मैं इसमें एक वाइटनर, क्योंकि गाइस इस वक्त वाइटनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाइटनर हमारी मिस्टेक्स को मिटा देता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिर मैं रखती हूँ इसमें 2 2 इरेजर्स, बिकॉज इरेजर हमारे काम आता है बट मुझे 2 2 इरेजर्स रखने का शौक है, बस मैं शॉर्पनर नहीं रखती तो इसमें मैं 2 2 इरेजर्स एंड बाकी हम सारे रख देते हैं। और इसमें गाइस कुछ भी नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं है। अब फिर खोलते हमारी लास्ट चेन जो कि है 3rd वाली एंड इसमें मैंने कुछ भी नहीं रख रखा। एंड गाइस इसमें भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें गाइस सबसे पहले रखती हूँ मैं रेड पेन, बिकॉज स्कूल में क्लास में हम बच्चे सारे खेलते रहते हैं गेम्स वगैरह, जैसे हमारी टीचर अब्सेंट है तो हम खेलते हैं। कौन कौन खेलता है गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से। मैं तो बहुत ज़्यादा खेल इतना भी नहीं खेलती, मतलब पढ़ाई भी करते हैं बट कभी कभी टाइम मिलता है तो हम खेल ही लेते हैं, तो रेड पेन से बहुत मज़ा आता है। फिर रखती हूँ मैं एक स्केल जो कि थोड़ा गंदा सा हो गया है बिकॉज हम वाइटनर से, हमारा टाइम पास नहीं होता तो हम वाइटनर से सीख लेते हैं। तो ये है मेरा स्केल जो कि मेरी लाइन वगैरह खींचने के बहुत काम आता है। एंड फिर है मेरा लास्ट जो कि है ब्लैक पेन, बिकॉज मैं हर चीज़ डबल डबल तो रखती ही रखती हूँ। ब्लैक पेन मैं ये वाला रखती हूँ, बॉल पेन। एंड इसमें आप कुछ भी नहीं, आपको दिखाती हूँ मैं, कुछ भी नहीं आपको दिख रहा होगा। एंड तो हम इसको भी रख लेते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं पोस्ट करती हूँ एवरी वेनसडे, तो फिर जल्दी स्टार्ट कर दो, सॉरी सब्सक्राइब कर दो। तो फिर चलिए बाय गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।